मोदी जी पहले भी हमारे नेता जाते थे, बड़े बड़े नाम वाले नेता जाते थे, या तो आप अमेरिका के साथ रहेंगे या रशिया के साथ रहेंगे, ये बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज हो जाएगा, ये बैलेंस आपने चेंज किया? ये मूलभूत हमारी मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी, इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं, दूरी बनाना ये मानदंड था। मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे, डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आगे आता है, फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया यार मैं रह गया तो इधर वाला डी आता है, तो सब लोगों के अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए और ग्लोबली कॉम्पिटिशन है हिंदुस्तान के निकट आने की। हमने विदेश विभाग ने पहले काम ऐसा किया कि दूरी बनाए रखो, क्यों तो भाई हमारी चलेगी। आज मेरी स्थिति यह है, अब देखिए एक घटना मैं बताता हूं, मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं मुझे एडवाइज करते हैं कि साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए, भारत में सेक्युलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इसराइल से अकेला जाऊंगा, इसराइल से वापस जाऊंगा, मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियां हैं मैं उसका शिकार नहीं होना।